ट्वेल्थ पास करने के बाद हर किसी को एक ऐसा करियर चाहिए जो बढ़िया सैलरी तो दे ही, साथ में एक अच्छी रेपुटेशन समाज में भी बना कर दे। लेकिन अक्सर हमारे पास इन्फॉर्मेशन का अभाव होता है और हमें नहीं पता चल पाती कि कौन से कोर्सेज हमारे लिए बेस्ट हैं और हम कौन से कोर्सेज कितने टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। तो इसीलिए आपकी मदद करने के लिए ये वीडियो मैं लेकर आ गई हूँ, जहाँ विल बी टॉकिंग अबाउट टॉप हाई पेइंग कोर्सेज आफ्टर 12th, यानी कि 12वीं के बाद आप कौन से कोर्सेज कर सकते हैं जिससे करने के बाद अच्छी सैलरी तो मिलेगी ही, साथ ही आपका रेपुटेशन भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए वन बाय वन सारी चीजों पर बात कर लेते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप सबका बहुत स्वागत है NBT टेकेट पर। खास वीडियो आज ये युवाओं के लिए है और खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं या फिर जिन्होंने 12th पास कर लिया और उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि भाई अब आगे फ्यूचर में क्या करना है। तो मैं आपको ना वन बाय वन उन कोर्सेज के बारे में बताऊंगी जिसे आप अपने करियर के रूप में चुन सकते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है इंजीनियरिंग का। देखिए, बहुत कॉमन है, बहुत सारे हाउसहोल्ड का फेवरेट कोर्स भी है, तो आप भी इसको अपने करियर में एक चांस तो ज़रूर दे सकते हैं। आप इंजीनियरिंग की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, आप बीटेक कर सकते हैं और बीटेक करने के बाद या तो आप प्लेसमेंट ले लीजिए या फिर आप प्लेसमेंट अगर नहीं लेना चाहते तो आप हायर एजुकेशन कर सकते हैं, एमटेक वगैरह कर सकते हैं या फिर आप सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग आपके लिए गुड टू गो ऑप्शन हो सकता है, आप उसे चूज कर सकते हैं और साथ ही एक बढ़िया सैलरी वाली नौकरी भी ले सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा हाई पेइंग कोर्स है ना, वो है मेडिकल। देखिए, मेडिकल जो है वो किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, आप डॉक्टर की डिग्री ले सकते हैं, MBBS कर सकते हैं या फिर अगर आप MBBS नहीं करना चाहते तो भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। आप डिप्लोमा किस में कर सकते हैं? आप फार्मास्यूटिकल्स में डिप्लोमा कर सकते हैं, आप लैब टेक्नीशियन में डिप्लोमा कर सकते हैं, आप मेडिकल के फील्ड में बहुत सारे ऑप्शंस के साथ अपना करियर बना सकते हैं। सिर्फ करियर ही नहीं बनेगा बल्कि आपको अच्छी सैलरी मिलेगी और सोसाइटी के बारे में तो आप जानते ही, एक बार आप मेडिकल फील्ड में एंटर हो गए ना तो उसके बाद तो सोसाइटी में आपकी जय जयकार हो जाएगी। तो मेडिकल भी आपके लिए एक गो टू गो ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद जो हाई पेइंग पॉपुलर कोर्स है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। देखिए, जमाना हाईटेक होता जा रहा है, हर चीज डिजिटल हो रही है, ऐसे में जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्सेज है ना उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। तो अगर आपको कंप्यूटर में नेटवर्किंग वगैरह में इंटरेस्ट है ना तो आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस के कोर्सेज को अपना करियर का साथी चुन सकते हैं, आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। आप चाहें तो आप डिग्री ले सकते हैं या फिर आप डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर आप कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। तो अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग वगैरह पसंद है, आप उसमें रुचि रखते हैं तो आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्सेज को चुन सकते हैं और आप उसे एक ट्राई तो ज़रूर दे सकते हैं। उसके बाद बारी आती है पायलट की। देखिए, आसमान में उड़ना और प्लेन चलाना ये बहुत सारे लोगों का सपना होता है, लेकिन अक्सर जानकारी के अभाव में ना कि कैसे पायलट बनना है और क्या करना है, कई सारे लोगों का सपना छूट भी जाता है और कई बार लोगों को ये भी लगता है कि यार पैसे नहीं है इस क्षेत्र में, सिर्फ नाम नाम है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जब आप पायलट बनते हैं ना तो आपको लाखों की सैलरी पर मंथ मिलती है और साथ ही रेपुटेशन, तो इसके बारे में कहना ही क्या है। आप जब पायलट बनते हैं तो वैसे ही समाज वाले लोग आपको बहुत ज़्यादा इज्जत देने लगते हैं। तो आप पायलट को भी एक अपने करियर के रूप में चुन सकते हैं और आप एविएशन के कोर्सेज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात कर रहे हैं एनिमेशन डिजाइनिंग की। देखिए, एनिमेशन डिजाइनिंग भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, यूथ के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर, और जो आने वाली जनरेशन है उनको भी एनिमेशन में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। तो आप एनिमेशन के कोर्सेज कर सकते हैं, आप या तो कहीं से डिग्री ले सकते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एनिमेशन डिजाइनिंग के स्पेशली कोर्स कराते हैं, वो आपको सर्टिफिकेट दे सकते हैं, हो सकता है वो आपको डिप्लोमा भी दे। उसके बाद आप अपना करियर बना सकते हैं, आप चाहे तो आप खुद का भी कुछ शुरू कर सकते हैं। तो एनिमेशन डिजाइनिंग में बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, आप किसी भी ऑप्शन को अपना साथी बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टॉप हाई पेइंग कोर्सेज आफ्टर 12th जो आप अपने करियर के लिए चुन सकते हैं। सैलरी और रेपुटेशन दोनों ही भर भर के आपको इन कोर्सेज में मिलने वाली है। तो अगर आपको करियर से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस और देखनी है तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। ये वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।